जवानी का बोझ अकेले नहीं उठता है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? इतनी देर क्यों कर दी? हम बोलती नहीं। पता नहीं। हाँ हाँ, जरा देखना तो सही, कमाल है इनका भी। तुम्हारी तो जाएगी। दिखता नहीं क्या? तेरे बाप का रोड़ क्या? ये क्या है? दो दो लड़की? ऐसा लगाओ। ये चला, मेरी बीवी रहा देख रहे हैं। चल निकल, पॉकेट की दारू पीना आते हैं। चल चल पॉट, दोबारा आए तो टांग तोड़ दूंगा। आजकल ये शहर भी क्या हुआ? चलिए सीधे से चलते हैं। चलो अब तो हो जाए। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। प्रभात, प्लीज रिलैक्स। हाँ, तो चिंता मत कर। गणा बुलाई थी माल। क्या कहना है जगमोहन जी से? जगमोहन जी से कहना। हाँ, कह दूँ समझ। ओ मेरा लौ गवाचा, कुर्ते वाले आ टूट। अबे चल 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 फुटिया, चल चल फट। सुधा, दरवाजा खोलना। राजीव दुग्गल साहब, दो तीन ड्रिंक से तो आपके दांत भी गीले नहीं होंगे। हाय हाय, हाउ आर यू? चीचा जी। हेलो रजनी जी, आइए आइए, प्लीज कम। भाई कमाल करते प्रभात, कितनी देर लगा दी आने में। आओ ना, आओ। क्या लालवानी साहब, कैसे नरक में रह रहे हैं? इस शहर में भी और जगह नहीं। कमाल करते हो, ये बंबई है, यहाँ रहने के लिए घर मिल जाए वही बहुत है। और फिर ये क्या गारंटी है कि जहाँ आप घर लेंगे वहाँ दूसरे दिन पड़ोस में दारू का अड्डा या धंधा नहीं शुरू हो जाएगा? भैया जी, यहाँ आराम से रहने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, लेकिन बुरा कर जरूर सकते हो। बहुत अच्छा। इसकी बुराई हो रही है, कम से कम आज के दिन तो अच्छी बातें कीजिए। भाई हम तो हमेशा ही अच्छी बातें करते आए हैं। मुबारकबाद तो दीजिए। माफी चाहता हूँ भाई, शादी की सालगिरह मुबारक। नो प्रॉब्लम, इट इज नेवर टू लेट। थैंक यू। प्रभात, मैं तुम्हारे लिए छोटा ड्रिंक बना के लेके आऊं? नहीं धन्यवाद, मैंने अभी शुरू नहीं किया। हेलो, आज शुरू कर दीजिए। बड़ा अच्छा देना, कैंपा कोला में मिलाकर ले लीजिए। नहीं भाई, मैं मिलावट में विश्वास नहीं रखता, केवल कैंपा कोला मंगा दीजिए। अजी भाई, सब फॉर्मेलिटी में। अरे भैया जी, सुना है आप बहुत अच्छे शायर भी हैं। जी साहब, शायर नहीं, गाते भी बहुत अच्छा है। शुक्रिया। नज़्म और गीतों में तो उनका जवाब नहीं। हाँ भाई, आज दिन भी बहुत अच्छा है, हो जाए कोई अच्छा सा गीत। हाँ हाँ, हो जाए हो जाए। बिल्कुल। अब रजनी जी, आप ही सिफारिश कीजिए, हम तो उनका गाना सुनना चाहेंगे। सब कह रहे हैं तो सुना दीजिए ना, एक अच्छा सा गाना। लो भाई, अब तो इनकार कर ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट से भी हुक्म हो गया है। जी हाँ। जी हाँ साहब, कानून कचहरी से तो हर कोई डरता है, इनकी आज्ञा श्रद्धा। तो फिर हो जाए। तालेदार साहब आए, आइए आइए। कैसे तकलीफ दी आपने? इतना जी ने भी साथ लेकर आए, क्योंकि चुंगी का लक्षण होने वाला है क्या? ये कह रहे हैं यहाँ शराब बिकती है। शराब? शराब? जी राम का नाम लो, चल जी, चल दूध में पट्टी डाल के ला गर्मा गर्म। अभी कहिए प्रोफेसर प्रभात। चाय। इम्तिहान खत्म हुए और कल तुम नागपुर जा रही हो? हाँ, रेनू तो ठीक ही कह रही है, कुछ दिन यहाँ ठहर जाओ, हमारा शहर भी घूम लो। इस शहर में कोई घुमा जा सकता है? जिसे भी देखो भागा ही चला जाता है। ना बाबा, हमारे लिए तो नागपुर ही अच्छा है। जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर हाँ, नागपुर पहुँच के चिट्ठी लिखना मत भूलना। हाँ बिल्कुल ही भूलेंगे। अच्छा ओके बाय। बाय। यही है वो गाड़ी का नंबर, लेकिन आप जल्दी कीजिए, न जाने वो मेरी बहन को कहाँ ले गए होंगे। ये वही इम्पोर्टेंट गाड़ी वाला है जो हमारी कॉलोनी में आता है, वही पर उसने मेरी बहन को छेड़ा भी था। आप शांत रहिए, वो मिल जाएगी। लोग सड़क चलती लड़की को उठा के ले जाते हैं और आप कहते हैं शांत रहिए। प्रोफेसर प्रभात, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, आपने रिपोर्ट लिखा दी है, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या नंबर बताया था? नंबर आपके सामने पड़ा हुआ है, ये तो आपकी एफिशिएंसी। प्रोफेसर प्रभात, MMH4510।
नवंबर की शाम को भारत कॉलोनी की बी बिल्डिंग की लिफ्ट के पास सुरेश ठाकुर ने सुधा अडवाणी को छेड़ा और उसके दो दिन बाद यानी 15 नवंबर की शाम को उसे अपनी इंपोर्टेड कार में अगवा किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर की शाम के 7 और 10 बजे के बीच सुधा अडवाणी का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। लाश के नाखूनों में पाई गई जमी हुई खून की बूंदे और सर के बाल सुरेश ठाकुर के हैं और इससे यह साफ जाहिर होता है कि सुरेश ठाकुर ने सुधा अडवाणी को किडनैप किया, उसका बलात्कार किया और उसका खून कर दिया। That's all, Your Honor. Yes, Mr. Dayal. Your Honor, मैं मानता हूं कि सुधा अडवाणी को किडनैप किया गया, उसके साथ बलात्कार भी हुआ और उसका खून भी कर दिया गया, लेकिन इन तीनों में से एक भी काम मिस्टर सुरेश ठाकुर ने नहीं किया, क्योंकि 15 तारीख की शाम 5 बजे के बाद वो बंबई में थे ही नहीं। 15 नवंबर की शाम 5 बजे वो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 415 टिकट नंबर 6794528 से दिल्ली चले गए थे। ये उस फ्लाइट की पैसेंजर्स की लिस्ट जिसमें मिस्टर सुरेश ठाकुर का नाम मौजूद है और ये दिल्ली के उस होटल के बिल्स जहां वो उस रात ठहरे थे। Your Honor, प्रोसिक्यूटर साहिबा ने अब तक एक भी ऐसा गवाह पेश नहीं किया जिसने मिस्टर सुरेश ठाकुर को 15 नवंबर को 7 और 10 बजे के बीच में बंबई में देखा तक हो, लेकिन मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहूंगा जो 15 नवंबर को 8 बजे बंबई से 1000 मील दूर दिल्ली में मिस्टर सुरेश ठाकुर के साथ थे और वो है श्री कन्हैयालाल तोमर। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, मैं झूठ बोलता ही नहीं। बोलो साहब, 15 नवंबर की शाम 8 बजे मिस्टर सुरेश ठाकुर के साथ आपकी कोई सरकारी अपॉइंटमेंट थी? जी हाँ थी, और उसी के लिए ये 15 नवंबर को शाम 5 बजे की फ्लाइट से बंबई से दिल्ली आए। मारे को क्या पता? आपको पता नहीं? मारे को कैसे पता चलेगा कि 15 तारीख को सुरेश ने हवाई जहाज लिया या 14 को राजधानी से आया या फिर 13 को सड़क सड़क गाड़ी से गया। लेकिन उनका आपके साथ अपॉइंटमेंट तो था ना? था। तो इस अपॉइंटमेंट के हिसाब से वो आपको दिल्ली में मिले? बिल्कुल मिले। कितने बजे? 8 बजे। तारीख क्या थी? यो कितनी बार पूछोगे भाई? बस एक बार और पूछो। तो बताइए 15 नवंबर की शाम को 8 बजे मिस्टर सुरेश ठाकुर आपके साथ थे या नहीं? थे थे थे, बस खुश। थैंक यू योर ऑनर, योर विटनेस। थैंक यू। तो मैं भी आपसे कुछ पूछ लूं? हाँ हाँ बोलो, क्या पूछना है? आपकी मीटिंग सुरेश ठाकुर से कहां हुई थी? बोला ना, दिल्ली में। दिल्ली में कहां? हमारे बंगले पे। ये तो सरकारी काम था, फिर आपने मीटिंग बंगले पर क्यों रखी? हो जी, हम ठहरे नेता लोग, जब चाहा 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 मीटिंग कर ली। अगर आपसे मैं ये कहूं कि 15 नवंबर की शाम को सुरेश ठाकुर दिल्ली में थे ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? बोलिए। वो दिल्ली में था या नहीं इससे मैंने कोई मतलब नहीं, वो मने मिला बस, और मन ने जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया। मैं हूं मंत्री और मंत्री कभी झूठ नहीं बोला है। इसमें कोई शक नहीं कि सुधा अडवाणी की लाश पे पाई गई खून की बूंदें और सर के बाल सुरेश ठाकुर से मिलते हैं, लेकिन इस सबूत की बिना पर के वारदात के दिन वो दिल्ली में मौजूद थे। मैं सुरेश ठाकुर को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर रिहा करता हूं। प्रभात, मैं तो सोच रहा हूं ये मकान छोड़कर बोरीवली में दूसरा मकान ले लूं। कैसी बातें कर रहे हो लालवानी? आज यहां हुआ है, कल वहां होगा, परसों पूरे शहर में होगा, फिर कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही। कैसी बातें कर रहे हैं दुग्गल साहब? क्यों भाग्य को कोसते हैं? एक कुत्ता भी अपने भाग को नहीं कोसता, वो भी अपनी गली में शेर होता है, और आप भारत कॉलोनी के लोग तो कुत्ते से भी बदतर व्यवहार कर रहे हैं। पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? शहीदों की मौत मर तो सकते हो, अरे धिक्कार है ऐसे जीने पर। चूड़ियां पहनकर मर्दों की तरह जियो, मौत का मुकाबला करो जाकर। अरे हम सब साथ हो तो ये मुट्ठी भर गुंडे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।